अब आप सोच रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव का शहाबुद्दीन से क्या संबंध है। यही ओम प्रकाश यादव है जिसने सिवान में शहाबुद्दीन के सियासी किले को हिलाकर रख दिया था। दरअसल एक वक्त था जब सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन को कोई चुनौती नहीं देता था। यही नहीं, चुनाव में उसके खिलाफ ताल ठोकने से भी लोग कतराते थे। लेकिन ओम प्रकाश ही एक ऐसा शख्स था जो उसे खुली चुनौती देता था। इसके लिए उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। बताया जाता है कि ओम प्रकाश को कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पटक पटक कर मारा था। साल 2007 में अपहरण और हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण है कि वो 2009 लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सका। इसके बाद आरजेडी ने 2009 और 2014 में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट दिया, लेकिन निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने 2009 में उन्हें करीब 60,000 वोटों से शिकस्त दी। साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश ने 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों से हिना को हरा दिया। खैर, शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं, लेकिन उनकी कहानियां आज भी लोग सुनते और सुनाते हैं। इस देश में एक कहावत है, तू शेर है तो हम सवा शेर हैं। इन दोनों की सियासी लड़ाई कुछ इसी तरह की रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।